The output may be words, letters, image or sounds. The output devices are. और output devices कौन से हो सकते हैं? या तो हमने कुछ words उसमें type किए होंगे, या तो कुछ letter लिखा होगा हमने, या कोई image draw की होगी, या हमने हमारी sound record की होगी. ये सब का फिर जो result आता है उसे हम कहते हैं the output devices. Now see which are the output device? मॉनिटर. अभी हमने इंफॉर्मेशन किससे डाली? कीबोर्ड से, राइट? तो वो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ दिख रही है? मॉनिटर में. प्रिंटर. अभी हमने कुछ ड्रॉ किया, ठीक है? ड्रॉ किया तो वो हमें उसको ड्रॉ करने के बाद बाहर कैसे आएगा वो इंफॉर्मेशन? प्रिंटर से. स्पीकर. अभी हमने हमारी साउंड रिकॉर्ड की, ठीक है? और फिर हमें सुनना है तो हम किससे सुनेंगे? स्पीकर से, राइट? हेडफोन्स. हेडफोन में भी सेम है, हमने अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर की और फिर बाद में हमने हेडफोन से सुना. क्लियर? सो विच आर द इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड. इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन. एंड विच आर द आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स. क्लियर? सो टिल हियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, UPS. This is UPS. Okay? UPS stands for uninterrupted power supply. UPS को हम, what is the full form of UPS? Uninterrupted power supply. A UPS keeps the computer working for some time even after the electricity goes ऑफ. UPS क्या है? एक पावर सप्लाई है जो क्या करता है, कंप्यूटर को कुछ देर तक चलने में हेल्प करता है बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के. अगर लाइट चली भी जाती है तो ये वो मशीन है जो हेल्प करती है कंप्यूटर को थोड़ी देर चलाने के लिए. सो यू गेट क्लियर विद द टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड UPS. टुडे वी हैड डिस्कस टू सब टॉपिक्स, इनपुट and output device. So you all have to read it carefully, understand. For your today's homework, you all have to read and understand. For today, this much only we will do. Thank you.